बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और कायदे आजम के रिश्तेदारों के दरमियान गर्मा गर्मी की खबर ने तहलका मचा दिया। तफसीलात के मुताबिक आईपीएल 2025 के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फ्रेंचाइज मालिकान के साथ एक मीटिंग की जा रही थी, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के को ऑनर शाहरुख खान और पंजाब किंग्स के को ऑनर निस वाटिया के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जराए के मुताबिक दोनों शख्सियात के दरमियान तल्ख कलामी की वजह नंबर्स बरकरार रखने या फिर मैच कार्ड के हकूक को करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई की जानिब से तस्दीक की गई थी कि टीम मालिकान के दरमियान मुस्बत बातचीत रही, ताहम कई टीमों के मालिकान की जानिब से मुखालिफत की गई है, जबकि साथ ही खिलाड़ियों के मुस्तहकम रोस्टर, स्काउटिंग के लिए रिवॉर्ड और नौजवान खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट जैसे मुतालबात सामने रखे गए। जराए के मुताबिक शाहरुख खान की जानिब से भी मेगा नीलामी की मुखालिफत की गई थी, जबकि नंबर्स बरकरार रखने के मामले पर निस्वाटिया से तल्ख कलामी भी हुई। बीसीसीआई जराए के मुताबिक शाहरुख खान तब्दीलियों के खिलाफ थे, ताहम निस्वाटिया शाहरुख खान की मुखालिफत करते दिखाई दिए। वाजराए के निस्वाटिया मारूफ भारतीय कारोबारी शख्सियत नस्ली वाडिया के बेटे हैं, जो कि रिश्ते में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के नवासे हैं। नस्ली वाडिया के वालिदा डीना वाडिया कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की बेटी थीं।